आप स्टूडेंट हो चाहे आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम करते हो, पीडीएफ से छुटकारा नहीं मिलने वाला। रोज एक ना एक नई प्रॉब्लम के खड़ी जाती है कि आज पीडीएफ को मर्ज करना है, आज पीडीएफ को एडिट करना है, आज पीडीएफ को कन्वर्ट करना है, ठीक है। और हर प्रॉब्लम के लिए आप नए नए ट्यूटोरियल्स देखते रहिए, मतलब बहुत सारा टाइम आपका लगता है एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसी वेबसाइट लेके आया हूं जिसको यूज करने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम जो पीडीएफ से रिलेटेड है वो सॉल्व होने वाली है। मतलब कि मैंने नहीं देखा कि इस वेबसाइट पर कोई ऐसा काम है पीडीएफ से रिलेटेड जो आप शायद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक और बड़ी मजेदार फीचर, मतलब इसकी खासियत है कि जरूरी नहीं कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो तो ही आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका डेस्कटॉप वर्जन आप ऑफलाइन, मतलब इसको डाउनलोड कर लीजिए, और ऑफलाइन भी आप पीडीएफ के सारे काम जो वेबसाइट ऑनलाइन कर सकती है वो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और एक भी पैसा चार्ज नहीं करता। सबसे बड़ी मजेदार बात है कि एक भी पैसा आपसे, एक भी रुपया आपसे चार्ज नहीं करता। बहुत ही कमाल की वेबसाइट है। तो वेबसाइट का नाम है pdfcandy.com। और ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि मैं तीन चार चीजें आपको करके भी दिखाऊंगा। पूरा तो नहीं दिखा सकते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें बहुत कुछ है करने के लिए पीडीएफ से रिलेटेड। तो तीन चार मेजर काम मैं आपको करके भी दिखाऊंगा और आप वन बाय वन समझ पाएंगे कि पीडीएफ कैंडी कैसे हेल्पफुल है आपके लिए, जो आपकी पीडीएफ से रिलेटेड आपकी मदद करती है। बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो फ्रेंड, इससे पहले एक वीडियो शुरू करूं, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको मेरे चैनल पे हिंदी और इंग्लिश दोनों पे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि कैसे पीडीएफ कैंडी हमारी मदद करता है पीडीएफ से रिलेटेड वर्क में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सामने पीडीएफ कैंडी का पेज ओपन है और ऊपर यहाँ एड्रेस में देखिए इसका एड्रेस दिया हुआ है एड्रेस बार में pdfcandy.com, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और आप चाहें तो डायरेक्ट गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पीडीएफ यहाँ पे पास पीडीएफ कैंडी आपको लिखना है, ठीक है, और ये आपको शो कर देगा। देखिए पहला ही ऑप्शन दिखा रहा है pdfcandy.com, ठीक है। अब जैसा कि पेज से ही जाहिर है, इतने सारे काम सबका अलग अलग इन्होंने एक टैब बना रखा है। फॉर एग्जांपल कंप्रेस करना है पीडीएफ को तो ये ऑप्शन आप लेंगे, मर्ज करना हो तो यहां से कर सकते हैं, पीडीएफ टू वर्ड करना हो, वर्ड टू पीडीएफ करना हो, एक्सेल टू पीडीएफ करना हो, जेपीजी टू पीडीएफ करना हो, बहुत सारे काम है। मतलब नीचे तक देखते जाइए, इतने सारे काम है और शायद ही कोई ऐसा काम मुझे ऐसा लगता है जो ये वेबसाइट पीडीएफ के लिए ना करती हो। अगर आपको कुछ मिले तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो दो तीन काम देख भी लेते हैं, उससे पहले ये देख लेते हैं कि इसको ऑफलाइन कहां से डाउनलोड करते हैं। देखिए इसको नीचे ले जाएंगे तो यहां पे देखिए डाउनलोड पीडीएफ कैंडी फॉर विंडोज, ये एक ऑप्शन इन्होंने दे रखा है। फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए फ्री डाउनलोड। तो ये टूल इन्होंने अपना बना रखा है, इसको आप ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। पीडीएफ के जो काम ऑनलाइन कर सकते हैं वही काम यहां पर देखिए वो मतलब ऑफलाइन भी आप यहां से कर सकते हैं इसको डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। फिलहाल चलते हैं वापस और दो तीन मतलब ऑप्शंस यूज करके भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहला ही ले लेते हैं, कंप्रेस टू पीडीएफ है। इससे पहले मैं डेस्कटॉप पे वो दिखा दूं, मैंने तीन पीडीएफ डमी फाइल बना रखी हैं। ये देखिए ये मैंने पीडीएफ के तीन डमी फाइल बना रखी हैं। इसको जब ओपन करेंगे मैंने सिंपल एबीसी लिखा हुआ ताकि आप क्लियरली समझ पाए। ये देखिए पहले में ए है, इसी प्रकार दूसरे में बी है और तीसरे में सी है, ठीक है। अब इसकी देखिए साइज जो दिखा रहा है 76.6 KB, ठीक है। तो कंप्रेस करने के लिए हम पहला ऑप्शन यूज करेंगे, 76.6 KB दिखा रहा है। तो चलते हैं वापस वेबसाइट पे और कंप्रेस करने के लिए यहां पे क्लिक करिए, उसके बाद यहां से फाइल ऐड करनी है। सिंपल जैसे बाकी जगहों पे होता है आपको सिंपल ऐड करना है। उसके बाद हम पीडीएफ फोल्डर में जाएंगे, पहले डेस्कटॉप पे ले जा रहा है आपको। देखिए ये डेस्कटॉप पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद हमारा ये फोल्डर था पीडीएफ। अब यहां से हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं ए, जिसकी साइज 76 पॉइंट समथिंग थी, यहां 77 शो कर रहा है, ठीक है। ये देखिए 77 KB, बस इसको यहां से सेलेक्ट कर लीजिए, ओपन कर लीजिए और ये देखिए शुरुआत हो गई यहां पे ऐड होने की। ये ऐड हो रहा है, देखिए ऐड हो गया, ठीक है। अब यहां पर कंप्रेस बगल में आपको दिख रहा है, सिंपल इस पर कंप्रेस कर दीजिए। देखिए कंप्रेसिंग 100% दिखा रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। अब यहां से देखिए ये दिखा रहा है, फाइल साइज ऑफ ए पीडीएफ वाज रिड्यूस फ्रॉम 78 KB टू 25 KB, मतलब 76 थी और ये 25 KB यहां पर हो गई है, ठीक है। तो बहुत आसान है, सिंपल यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया, डाउनलोड फाइल, ये डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी जो 77 या 78 KB की जो फाइल थी वो 25 KB में यहां पर देखिए आ गई है।